कैनेडा टीवी देख रहे सारे दर्शकों को मैं हरनीत कौर धारीवाल का निघा स्वागत करती हाँ, तो सत श्रीकाल बुलाती हाँ। जिमें कि दर्शकों तुहानू पता ही है कि जेकर कैनेडियन गवर्नमेंट कोई भी नवा रूल लैके आती है जां कोई भी पॉलिसी अपडेट करती है तो असी अपने इमीग्रेशन माहरां अपने स्टूडियो दे विच इनवाइट करते हाँ अते उन्हां दे नाल संखेप दे विच जानकारी लैंदे हाँ उन्हां लॉज़ बारे। तो इस ही तरह अज साडे नाल कैन सिटी इमीग्रेशन तो मिस्टर अजय रतनपाल साडे विच पहुँच चुके हैं, जिन्हां तो असी नवीं पब्लिक पॉलिसी के बारे इनफॉर्मेशन लवांगे कि यह पब्लिक पॉलिसी की है तो ये की फायदे हो सकते हैं। तो हाँ जी सर, तुहाडा स्टूडियो दे विच पहुंचने ते मैं स्वागत करती हाँ, तो सत श्री अकाल बुलाउनी हाँ। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हाँ जी सर, साडे दर्शकों नूं दसो कि यह पब्लिक पॉलिसी की है तो ये की फायदे हो सकते हैं, कि कैटागरी के बच्चों। पब्लिक पॉलिसी बेसिकली इमीग्रेशन मिनिस्टर का एक राइट होंदा है, जदों भी उन्हें लगता है कि होर स्ट्रीम दे विच बंदे लैके आने ने ते फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपने राइट का इस्तेमाल करदे होया इह जी पब्लिक पॉलिसीज कट सकते हैं। रीसेंटली उन्होंने अप्रैल 14th नूं एक पब्लिक पॉलिसी जिहड़ी अनाउंस की सी, उहदे विच अबाउट 90,000 जिहड़े कैंडीडेट्स हैगे ने उन्हां नूं PR देण दा वादा किया गया है। ठीक है सर, मैं थोड़े तो यह इनफॉर्मेशन लेना चाहवागी कि जेडे स्टूडेंट्स ने जेडे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के आते हैं तो उन्होंने किन्ने नंबर्स ने ते उन्होंने लिए की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो अलॉटमेंट नंबर दिता गया वो है 40,000 एप्लीकेशंस। ये जिहड़ियां एप्लीकेशंस हैगियां ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ते होणगियां ते सिर्फ कंप्लीट एप्लीकेशंस ही एंटरटेन होणगियां एट दिस पॉइंट टाइम। तो जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स की आप गल करिए तो रिक्वायरमेंट्स उन्हां दियां बड़िया सिंपल जी हैगियां ने। बच्चा जिहड़ा इत्थे हैगा उहदा जिहड़ा कोर्स है वो जनवरी 2017 तो बाद कंप्लीट होया होना चाहिए, उस तो पहले के जिहड़े बच्चे इन्होंने कोर्स पूरे हुए हैं वो इस पॉलिसी का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। बच्चा जिहड़ा हैगा उहदा IELTS स्कोर जिहड़ा हैगा 5 होना चाहिए IELTS। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जिहड़ा अलॉटमेंट है दैट इज़ 40,000 एप्लीकेशंस। 40,000 एप्लीकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से एक्सैप्ट की जाएगियाँ। इन्हों का स्टार्टिंग डे हैगा May 6th। तो जे एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई तो दे विल पुल इट बैक, जे नहीं हुई कंप्लीट दैन उसकी डेडलाइन जी हैगी है November 5th, 2021 हैगी है। तो जिते तक इन्हें क्वालिफिकेशन की गल है बड़ी सिंपल जी रखी है उन्होंने कि बच्चा जिहड़ा हैगा इत्थे कैनेडा दे विच फिजिकली प्रेजेंट होवे, क्वेबेक च ना रहना चाहता होवे, जिस टाइम तो उन्हें एप्लीकेशन करनी है उस टाइम तो वो किसी भी नौक दे विच काम कर रहा होवे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वह नॉक ABCD कोई भी स्पैसीफिक हो गया है जी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं हैगी, कोई एक्सपीरियंस की बच्चे लोड़ नहीं हैगी। बच्चा जिहड़ा हैगा ऑथराइज्ड हो जिस टाइम उन्हें एप्लीकेशन करनी है काम करन वास्ते, तो जिवें आपां कहने स्टैटस उहदा जिहड़ा हैगा वो टैंपरेरी रेजिडेंट का होना चाहिए है, या जे किसी बच्चे का टैंपरेरी रेजिडेंट एक्सपायर हो चुका है तो वो अपनी रिन्यूअल की लिमिट के अंदर हो। So these are the requirements, necessarily speaking. ठीक है सर, एक सर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिमें कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया जां पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हो गया, तो कि वो उन्होंने अपनी फाइल के नाल अटैच करने पैणगे जां फिर वो बाद विच भी अपडेट कर सकते हैं। हाँ जी, सर वेरी गुड क्वेश्चन। जिहड़ा जदों इन्होंने अनाउंस किया सीगा उस टाइम ते PCC लैण वास्ते ते अपना IELTS वास्ते वैबसाइट्स क्रैश हो गई सर, तो पर उन्होंने जिहड़ा IELTS का जिहड़ा रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने CLB 5 रखिया स्टूडेंट्स वास्ते ओनली। तो 5 का जिहड़ा लैवल है वो हर एक स्ट्रीम दे विच होना चाहिए, यानी कि लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड दे विच हर एक इंडिविजुअल होना चाहिए, कलैक्टिव नहीं होना चाहिए। तो जिते तक PCC ते मेडिकल की गल है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट टाइम फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग एन एप्लीकेशन, लेकिन जदों उन्हां दी एप्लीकेशन चली जाएगी तो इमीग्रेशन कैनेडा नूं लगेगा कि उन्हां दी लोड़ हैगी है तो उन्होंने टाइम दिता जाएगा कि वो बाद दे विच उन्हूं अपलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं एक होर क्वेश्चन पूछना चाहवागी सर कि जिन्हों बच्चों की स्टडी हजे तक डन नहीं हुई है जिन्हों की पोस्टपोन हो चुकी है तो उन्हों बच्चों के लिए इस पॉलिसी का की फायदा हो सकता है। देखो जी, जिहड़े बच्चों की स्टडी डन नहीं हुई है वो पार्ट एंड पार्सल नहीं है। हुण May 6th आन दे विच करीबन 4 दिन बचे ने, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जे वो May 6th तक अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लै सकते हैं ठीक है, दैन दे क्वालीफाई, जे नहीं लै सकते दैन दे डू नॉट क्वालीफाई। ठीक है सर,
सर एक होर क्वेश्चन मैं पूछना चाहवागी, थोड़ा पर्सनल है, जिमें कि मेरे वर्गे इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जिहड़े कि विआह करवा के आउंदे ने तां उहनां दे जिहड़े स्पाउस हुंदे ने तां उहनां नूं वी नाल उहनां दे रेजिडेंसी मिल सकदी है जां किद्दां दा इहदे इहदे बारे? वेरी गुड क्वेश्चन। यस एक्चुअली जदों एप्लीकेशन प्राइमरी एप्लीकेंट करेगा, एज लॉन्ग एज उस प्राइमरी एप्लीकेंट ने अपने स्पाउस या डिपेंडेंट किड्स वास्ते, डिपेंडेंट चिल्ड्रन वास्ते इन्फॉर्मेशन सबमिट की है, दे आर बोथ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, चाहे वो इत्थे रह रहे ने चाहे वो इत्थे नहीं रह रहे। ठीक है सर, तो कि कैनेडा की गवर्नमेंट फ्यूचर के विच भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई इदां दी पॉलिसी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट टाइम उन्होंने शुरू किया आ, ते वी आर होपिंग के ए आने वाले सालों के विच भी कंटिन्यू रहेगा, बट ओनली टाइम विल टेल। ओके सर, एक सर कैटेगरी आती है एसेंशियल वर्कर्स की, जी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੋਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 20,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਟੁਗੈਦਰ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 50,000। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ, ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਸ਼ੀਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੀਨਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੰਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 30,000। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਾਈਡਸ ਬੀਂਗ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1560 ਘੰਟੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ CLB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਅਰਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ May 6 ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ IMM 0008, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੈਨੈਰਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ IMM 5669। ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਲ ਇਟ ਅਪ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਐਜ ਸੂਨ ਐਜ ਦੀ ਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨਸ ਅਪ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 778-709-1234, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਈਮੇਲ ਮੀ ਐਟ info@cancityimmigration.ca, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਐਟ 778-917-0011। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।